कोयले के पश्चात हमारा जो अगला ऊर्जा संसाधन आता है वो आता है प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है प्राकृतिक गैस। अभी हमने पढ़ा पेट्रोलियम के बारे में, उसके बाद में हमने पढ़ा आपके कोयला संसाधनों के बारे में, और अब पढ़ा हमने, अब पढ़ेंगे हम प्राकृतिक संसाधनों के बारे में, प्राकृतिक गैस के बारे में कि प्राकृतिक गैस का खनन किस प्रकार से होता है और कौन कौन से देशों में ये देखने को मिलता है और इसका उत्पादन प्रतिरूप भंडार जो है वो कब कितना देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस निकलती कैसे। तो प्राकृतिक गैस आपके पेट्रोलियम के साथ, पेट्रोलियम के साथ ही, पेट्रोलियम जो भंडार क्षेत्र होते हैं वहीं पर आपको ये प्राकृतिक गैस भी देखने को मिलती है। पेट्रोलियम के भंडार क्षेत्रों में, पेट्रोलियम के भंडार क्षेत्रों में या पेट्रोलियम जो खनिज तेल है उनके भंडार क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस भी आपको प्राप्त होती है। ठीक है, ये तो प्राप्त होने की बात हो गई कि प्राप्त कहाँ से होती है। अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में पूरे विश्व में सन 2004 के अनुसार कुल प्राकृतिक गैस का संचित भंडार जो है वो लगभग है आपका 150,000 अरब घन मीटर। ये आपके संचित भंडार हैं आपके गैस के, कौन सी गैस के, प्राकृतिक गैस के भंडार हमारे विश्व में हमको देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं, पूरे विश्व में देखने को मिलते हैं। और इनका आधे से, इस भंडार का, संचित भंडार का आधे से ज़्यादा भाग जो है वो यूएसए, ईरान, नीदरलैंड, आपका अल्जीरिया तथा और दूसरे जो देश हैं जैसे कि आपके कनाडा में भी देखने को मिलता है। कनाडा, ठीक है, तो ये हो गया इसका भंडार प्रतिरूप, संचित भंडार प्रतिरूप की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्राकृतिक गैस के जो प्रमुख क्षेत्र हैं या प्रमुख देश कौन कौन से जहाँ पे प्राकृतिक गैस हमको देखने को मिलती है, जिसके भंडार हमको देखने को मिलते हैं। उत्पादन प्रतिरूप की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में उत्पादन प्रतिरूप तो आज वर्तमान में पूरे विश्व में 50 से भी अधिक देशों में प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। 50 से भी ज़्यादा देशों में प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है। अब जो उत्पादन प्रतिरूप की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हम जिस देश में सर्वाधिक उत्पादन होता है उसकी बात करते हैं, वो देश हमारा आता है रूस। कौन सा है, रूस नंबर एक, सबसे प्रमुख जो देश हमारा आता है रूस। पूरे विश्व में प्राकृतिक गैस उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान। ठीक है, तो पहला स्थान आपके रूस देश का आता है। यहाँ पर लगभग 22.6% गैस का उत्पादन किया जाता है। पूरे विश्व की गैस का कुल उत्पादन की हम बात कर रहे हैं, उसमें से 22.6% जो गैस है वो आपके रूस देश में देखने को मिलती है। और इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। प्रमुख क्षेत्र पहला है वोल्गा क्षेत्र, ठीक है, पूर्वी साइबेरियाई क्षेत्र,
पूर्वी साइबेरिया, पूर्वी साइबेरिया क्षेत्र नंबर एक, नंबर दो और नंबर तीन। साइब इसको मिटा देते हैं एक बार साइड से, थोड़ा सा ठीक है। बुखारा, बुखारा, बुखारा के साथ में है खीवा, ये यहाँ के प्रमुख, बुखारा खीवा बेसिन, बेसिन बोलते हैं इसको ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रमुख क्षेत्र वोल्गा पूर्वी साइबेरिया क्षेत्र, बुखारा खीवा बेसिन क्षेत्र ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया प्रमुख उत्पादन क्षेत्र या भंडार क्षेत्र जो है वो हमारा रूस का हो गया है ठीक है। तो रूस में आपका वोल्गा पूर्वी साइबेरिया क्षेत्र, बुखारा क्षेत्र ठीक है और साइबेरियाई क्षेत्र प्रमुख गैस भंडार क्षेत्र है ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर जो गैस का जो वितरण है पाइपलाइनों के माध्यम से है, पाइपलाइनों के माध्यम से गैस वितरण, पाइपलाइनों के माध्यम से यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका रूस। रूस के बाद में दूसरा स्थान आता है, वो आता है आपको सबको पता ही है यूएसए, यूएसए की बात कर रहे हैं हम, यूएसए ठीक है। यूएसए यहाँ पर ये पूरे विश्व में दूसरा स्थान रखता है, कौन सा स्थान रखता है दूसरा स्थान ठीक है, उत्पादन में इसका दूसरा स्थान आता है और यहाँ पर 19% उत्पादन होता है, कितना होता है 19% प्राकृतिक गैस का उत्पादन यहाँ पे देखने को मिलता है पूरे विश्व में यूएसए का, इसलिए इसका स्थान कौन सा आता है दूसरा ठीक है। उपयोग की बात करें कि प्राकृतिक गैस का उपयोग किस में किया जाता है, तो प्राकृतिक गैस का जो उपयोग है वो परिवहन सेवाओं में और आपके घरेलू ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है ठीक है। प्रमुख क्षेत्रों की बात कर लेते हैं, यहाँ पे प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, प्रमुख क्षेत्र देखिए पहला है कंसास क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है कंसास क्षेत्र, टेक्सास क्षेत्र आपके यहाँ के प्रमुख क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं ठीक है। इनको मिटा देते हैं एक बार, इनको भी साइड में, कंसास, टेक्सास, न्यूकैसल, कैलिफोर्निया, ये यहाँ के प्रमुख कोयला सॉरी प्राकृतिक गैस भंडार क्षेत्र हैं। लुसियाना भी इसमें आप ऐड कर सकते हो, लुसियाना, लुसियाना, लुसियाना बोलते हैं वैसे इसको ठीक है, लुसियाना। ये हो गए यहाँ पे प्रमुख प्राकृतिक गैस उत्पादक क्षेत्र। अमेरिका में, यूएसए में एक 10,000 पूरे यूएसए में ठीक है 10,644 किलोमीटर लंबी, 10,644 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनों, पाइपलाइनों का विकास किया गया है, का विकास किया गया है ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूएसए ठीक है, यूएसए का पूरा पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया, जहाँ पर प्राकृतिक गैस है वो आपके कंसास, लुसियाना, टेक्सास, न्यूकैसल और कैलिफोर्निया राज्यों में देखने को मिलती है, कहाँ देखने को मिलती है कैलिफोर्निया राज्यों में देखने को मिलती है ठीक है। तो ये हो गया आपका यूएसए। अब यूएसए के बाद में हम महाद्वीपों के बारे में बात करेंगे ठीक है। तो यूरोप और एशिया महाद्वीप की बात करते हैं, यूरोप महाद्वीप ले लेते हैं यहाँ पे, यूरोप महाद्वीप ठीक है। यूरोप महाद्वीप में कहाँ कहाँ होता है वो देख लेते हैं एक बार। यूरोप महाद्वीप में पहले तो देख लेते हैं कितना प्रतिशत होता है
विश्व का 21% गैस का उत्पादन यहाँ होता है। 21% जो गैस है वो पूरे विश्व की यहाँ पे देखने को मिलती है यूरोप महाद्वीप में। और यूरोप में जो प्रमुख देश आते हैं जैसे रोमानिया हो गया, फ्रांस, नीदरलैंड, ठीक है, रोमानिया, फ्रांस, नीदरलैंड यहाँ के प्रमुख आपके प्राकृतिक गैस भंडार वाले देश हैं। इसमें ब्रिटेन भी आप ऐड कर लो एक बार, ब्रिटेन, ठीक है। तो ये हो गया आपके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र या प्रमुख उत्पादक देश यूरोप महाद्वीप के, किसके हो गए, यूरोप महाद्वीप के प्रमुख उत्पादक देश आपके ये हो गए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं एशिया में, छोटे छोटे टॉपिक हैं ये दोनों। एशिया पूरे विश्व का 27%, कितना प्रतिशत है, 27% गैस का उत्पादन यहाँ पे किया जाता है एशिया में। कहाँ किया जाता है, एशिया में, वही घरेलू उपयोग में और आपके परिवहन कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। प्रमुख क्षेत्रों की अगर हम बात करें एशिया में, तो आपके पाकिस्तान, भारत, ईरान, इराक, इंडोनेशिया, और अफगानिस्तान। भारत काम भी कर रहा है ना, भारत का काम चल रहा है अभी पाइपलाइन पे, वाया पाकिस्तान होके जो आ रही है, ईरान से जो होके आ रही है ना पाइपलाइन, जो सबसे बड़ी पाइपलाइन होगी आने वाले भविष्य में, लेकिन अभी इसका काम अटका पड़ा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एशिया वाला पोर्शन पूरा, और इसी के साथ में ये जो आपकी प्राकृतिक गैस है वो भी पूरी होती है। छोटा सा टॉपिक है इसका, ठीक है, प्राकृतिक गैस का। तो ऊर्जा संसाधनों में आज हमारे पूरे 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं। कितने हो गए हैं, 3 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। कौन कौन से, देखिए बोर्ड पे लिख देता हूँ एक बार। पहला हमारा हो गया पेट्रोलियम, दूसरा हमारा हो गया कोयला, और तीसरा हमारा हो गया प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक हमारे ऊर्जा संसाधनों में पूरे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। थैंक यू।